सेना की भर्ती स्कीम के विरोध में बिहार आज एक बार फिर जल गया और सबसे ज्यादा हिंसा हुई बिहार की राजधानी पटना में। पटना के मसौठी में तारेगना रेलवे स्टेशन पर जमकर हमला हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां जलाई गई, कागजात जला दिए गए, जीआरपी स्टेशन के दफ्तर में घुसकर उसे पूरी तरह तोड़ा फोड़ा गया, वहां पर चीजों को आग लगा दी गई और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस को पथराव हुआ। लेकिन 1000 लोगों की भीड़ दोबारा पहुंच जाती है और एक बार फिर से हमला करती है और जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहां पर हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। पटना के तारेगना स्टेशन पर जो उपद्रवी हंगामा कर रहे थे उनको अब पकड़ा जा रहा है। आप देखिए जैसे ही यहां पर डीएम और एसएसपी पहुंचे हैं जो लोग भी यहां पर थे उनको अब पकड़ा जा रहा है। ये देखिए इनकी पिटाई भी की जा रही है। तारेगना स्टेशन पर काफी देर तक बवाल बंद समर्थकों ने मचाया था और जैसे ही यहां पर पुलिस पहुंची पटना से अब यहां पर उनको एक एक कर पकड़ा जा रहा है। ये देखिए ये बंद समर्थक दो लोग यहां पर पकड़े गए हैं, दो लोग यहां पर पकड़े गए हैं और अब ऐसे ही लोगों की पहचान की जानी है, ऐसे ही लोगों की पहचान की जा रही है। डीएम ने कहा भी है कि जो भी उपद्रवी हैं उन सबों को पकड़ा जाएगा और हम आपको दिखा रहे हैं स्टेशन की तस्वीर। ये है तारेगना स्टेशन, यहाँ देखिए तारेगना स्टेशन और यहीं पर काफ़ी देर तक उपद्रवी जो यहाँ बने रहे और उन्होंने स्टेशन पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। यहाँ पर आग लगा दी गई, आप देखिए ये आग लगा दी गई है बाइक में, यहाँ बाइक में आग लगा दी गई है। स्टेशन के बाहर के हिस्से की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जब आग लगाई गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी पहुँची हैं और यहाँ पर देखिए स्टेशन का हिस्सा किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। यहाँ देखिए जो कंप्यूटर से संबंधित जो उपकरण हैं और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर निकाल कर फेंक दिए गए हैं और ये अंदर की तस्वीर देखिए, अंदर यहाँ पर जो काउंटर है उसकी क्या हालत कर दी गई है, शीशे टूटे बिखरे पड़े हुए हैं और कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ है, कोई भी सामान यहाँ पर नहीं बचा हुआ दिखाई दे रहा। ये देखिए ये टिकट्स हैं, ये जो रिजर्वेशन काउंटर है और ये टिकट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो जिस पर प्रिंट किया जाता है, ये फॉर्म है जिसको भरकर आरक्षण लोग कराते हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अभी भी धुआं निकल रहा है और ये जो तमाम इक्विपमेंट्स थे, जो प्रिंटर है, जो टिकट भी है यहाँ पर और यहाँ देखिए आगे की तरफ यहाँ जो एक आलमीरा है उसके अंदर से सारा सामान निकाल कर बजाबता उसे खाली कर दिया गया है और निकाल कर उसे तोड़ा भी गया है। अब देखिए ये प्रिंटर सब जिससे टिकट प्रिंट होता है और क्या स्थिति यहाँ पर हो गई है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। और यहाँ अंदर की तस्वीर भी आप देखिए, ये स्टॉक रूम है, स्टॉक रूम है सर। तो कितनी देर तक यहाँ पर ये सब होता रहा, कितने लोग थे लगभग यहाँ पे? लगभग 1000 लोग थे सर। हाँ अच्छा, आप लोग समय कहाँ थे? हम लोग तो जान बचा के भागे सर। अच्छा, और ये काउंटर के अंदर सारे लोग घुस गए? हाँ, काउंटर का दरवाजा तोड़ के, हम लोग ताला लगाए हुए थे, दरवाजा तोड़ के काउंटर पर घुस गए। तो आप लोग उस समय थे मौके पर, क्यों नहीं रोक पाए उनको? बहुत रोकने का प्रयास किया गया लेकिन हम इतना पत्थर 1000 की संख्या में पत्थर चल रहा था कि आदमी को रोकना मुश्किल हो गया था। अच्छा, 1000 की संख्या में? हाँ हाँ जी। और उन क्या फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थी, उनकी तरफ से फायरिंग भी हो रही थी? फायरिंग भी जो उपद्रवी थे उनकी तरफ से फायरिंग हो रही थी? उनके तरफ से भी हुआ और पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की? जी। अच्छा, तो उस समय पूरे स्टेशन पर एक तरह से कब्जा हो गया था उनका? रन क्षेत्र बना हुआ था सर, रन क्षेत्र बना हुआ था। क्या क्या देखा बताइए? 1500 की संख्या में पूरा आदमी था, उधर से गिट्टी चला रहा था, प्रशासन भी बेचारा के दो तीन लोगों का मुंह हाथ भी टूटा है सर। इस तरफ और ज्यादा नुकसान हुआ है? गाड़ी चलता है सर, पहले यहाँ पूछताछ का काउंटर है। ये पूछताछ काउंटर तो पूरी तरह से खत्म हो गया, रिजर्वेशन काउंटर खत्म हो गया और यहाँ पर अब देखिए ये दूसरा कमरा, ये कौन सा कमरा है? ये सीसीटीवी का कमरा है जहाँ से कंट्रोल किया जाता है, जहाँ से तस्वीरें देखी जाती हैं
और आप देखिए कि जो यहाँ पर स्क्रीन है उसका वो किस तरह से उसे तोड़ दिया गया है। और ये क्या इक्विपमेंट है, और यहाँ पर अचानक जो है हंगामा करने वाले लोग आए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।